हे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का एक चैप्टर जिसका नाम है द आंट एंड द क्रिकेट। यहाँ पर आंट का मतलब चीटी एंड क्रिकेट का मतलब गेम से तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्रिकेट का मतलब एक झींगुर से है जो कि एक छोटा इंसेक्ट रहता है, आप सबने देखा होगा। तो यहाँ पर समर का सीजन जब होता है तो चीटियाँ अपने लिए फूड कलेक्शन कर रही होती हैं। जितनी भी आंट थी वो अपने लिए फूड कलेक्ट करके रख लेती है कि भाई जब भी बुरा टाइम आएगा तो हम इस फूड को यूज कर सकते हैं। वहीं पर जो क्रिकेट होता है वो एंजॉय कर रहा होता है और सॉन्ग गा रहा होता है। अब क्या होता है, समर के बाद आता है विंटर सीजन। विंटर सीजन में जो क्रिकेट था वो सोचता है भाई अब मैं क्या करूँ। उसे बहुत तेज भूख लग रही होती है, वो भूख से बेहाल हो रहा होता है। फिर वो एक चींटी के घर जाता है और उससे पूछता है कि बारिश से बचने के लिए क्या तुम मुझे रहने के लिए कुछ जगह और फूड दे सकती हो। इसको मैं रिटर्न कर दूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसको रिटर्न कर दूंगा। अब चींटी जो थी उसको वो एक बात और कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मर जाऊंगा। अब क्योंकि चींटी बहुत ज़्यादा कंजूस थी तो उसने क्या किया, आंसर किया, भैया जो आंट होती है ना वो ना किसी से उधार लेती है और ना किसी को उधार देती है। फिर उसने क्रिकेट से पूछा, इतना कहने के बाद भी उसने क्रिकेट से पूछा कि उसने अच्छे मौसम में मतलब समर या स्प्रिंग सीजन में कुछ फूड कलेक्ट नहीं किया था। तो उसने पूछा कि अच्छे मौसम का यूज़ किया था तुमने या नहीं किया था। तो उस पर क्रिकेट आंसर करता है कि नहीं, उस टाइम पर तो मैंने सॉन्ग गाकर ही पूरा मौसम बिता दिया। तो इस पर चींटी कहती है कि भाई जब वो अच्छा टाइम था तो तुमने सॉन्ग गाकर बिता दिया, अब समर सीजन निकल गया है, विंटर सीजन आ गया है, तो अब तुम इसको डांस करके निकाल दो, मतलब इस पूरे सीजन में अब तुम डांस करते रहो। इस पर जो झींगुर होता है उसको वो अपने घर से निकाल देती है, आंट अपने घर से झींगुर को निकाल देती है। अब इस पूरे चैप्टर से हमें सीख मिलती है कि जो ह्यूमन होता है वो कहीं ना कहीं एक क्रिकेट जैसा ही होता है। वो अपने अच्छे टाइम पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है और अपने बुरे टाइम पर बस मुंह लटका कर बैठा रहता है। तो हमें अपने अच्छे टाइम का यूज़ करना चाहिए। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। और अगर आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से ले लीजिए। एंड आपको समरी चाहिए तो मेरे चैनल को चेक कर लीजिए, वहाँ पर सारे चैप्टर की समरी प्रोवाइड है।